कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर होने के बाद दुर्भाग्य से पिक्चराइजेशन या तो नहीं होता या वो नगमे फिल्म में नहीं होते। हमारे एक प्रोग्राम में, अशोक भाई के ही प्रोग्राम में, टाउन हॉल में, मैंने एक गाने का जिक्र किया था। यहाँ की ऑडियंस में से जो भी उस प्रोग्राम में आए हैं या आए थे उनको पता होगा, एक ऐसा नगमा था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। ये गाना पिक्चराइजेशन नहीं हुआ क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल रील्स थी वो उस वक्त जल गई थी एक दुर्भाग्यवश और फिल्म रिलीज नहीं हुई। एक ऐसा ही नगमा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था लेकिन इस गाने को फिल्म में से काट दिया गया था। अगर आप में से किसी को पता हो तो मैं आपसे ये बात सुनना पसंद करूंगा। फिल्म है प्राण जाए पर वचन न जाए, ओपी नैयर साहब का संगीत और गाने के अल्फाज हैं चैन से हमको कभी। इस गाने को काट दिया गया था किसी को मालूम हो तो। ओके, इस गाने को इसलिए काट दिया गया था, 1968 में ये गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और 1973 में ओपी नैयर साहब और आशा जी के बीच कुछ ऐसी घटना घटी कि दोनों ब्रेकअप हो गए और उसके बाद फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म में इस गाने को ऐड किया गया लेकिन पिक्चराइजेशन करने से आशा जी ने मना कर दिया कि इस गाने के आप पिक्चराइजेशन नहीं करेंगे। ओके, ये ऐसा दुर्भाग्यवश गाना है जिसे उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड घोषित किया गया, जो पिक्चर में ही नहीं है गाना, उसे फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। आशा जी ने मना कर दिया कि वो अवार्ड लेने नहीं जाएगी। ओपी नैयर साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड के जूरी को बुलाया और बताया कि मैं अवार्ड लेने आऊँगा और वे अवार्ड लेने गए भी। फिर जब वो वापस आ रहे थे जब पता नहीं वो भी उनके दिमाग को क्या ऐसा लग गया कि मैंने ये क्यों लिया। हाजी अली जी दरगाह के पास समंदर में उन्होंने वो ट्रॉफी फेंक दी। तो ऐसा ये गाना है लेकिन अपनी जगह पर महफूज है और इसी गाने को हम तक पहुंचाने के लिए मैं इंदु जी से गुजारिश करूंगा। ओपी नैयर साहब से जुड़ा हुआ ये एक दुर्भाग्यवश लेकिन गाना बहुत ही अच्छा है। कौन सा है आइए सुनते हैं। Oh।
आइए जयश्री भाभी को मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ, वो कुछ कहना चाहती हैं। जयश्री जी प्लीज वेलकम, अपनी जगह पे कह दीजिए। हमारा लास्ट सॉन्ग जो गायो चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मारी चोइस नु गीत हतो, पण एक्चुअल में खरेखर एवं कई नहीं। અમે ખૂબ જ પ્રેમથી અને સાતામાં જીવીએ છીએ, એકબીજાના મોક્ષના સાથી થઈને, પણ મને ખયામ અને ઓપી નૈયરના જે ધૂન હોય છે એ ગીતો મને ખૂબ જ ગમે છે, એટલે મેં આ ગીત પણ મારી ચોઈસનું હતું। દીપકભાઈ બોલતા ભૂલી ગયા હતા। જયશ્રી બેનને જીસ તરહ સે બતાયા કે હર ગાને કી અપની જગહ હોતી હૈ।